Dear students, today we discuss about the reaction of acid with metals, lesson number 5, acid, base and salt. So, the reaction of acid with metal is determined by the strength and the concentration of the acid and also by the reactivity of the metal and the temperature. तो एसिड की जो रिएक्शन है मेटल के साथ जो होती है तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, वेदर द एसिड इज वीक और डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी एसिड स्ट्रांग है या वीक है, एंड ऑल्सो बाय द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. तो जो मेटल है वो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है या हाईली रिएक्टिव है, तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एंड द टेम्परेचर. सो इट इज ईजी टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ अ डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रांग एसिड विथ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एट नॉर्मल टेम्परेचर. तो जो स्ट्रांग एसिड है उसका डायल्यूट सोल्यूशन ईजीली क्या होता है, रिएक्ट होता है विथ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एट नॉर्मल टेम्परेचर. नाउ वी डू वन एक्टिविटी. See the figure 5.6. Open your book and see page number 66. Now this is the figure 5.6. Now arrange the apparatus as shown in figure. Take one test tube. Then take some pieces of magnesium ribbon. After that take dilute HCl in the test tube. Then mouth of the test tube is means close by with the help of rubber stopper, that rubber stopper having hole, so pass a gas tube through this hole. So arrange the apparatus as shown in the figure and then observe. Now see, when we take a lighted candle near the end of the gas tube, what happened, that gas burns with an explosion. So which gas is released during the chemical reaction? The gas is hydrogen. तो magnesium metal किसके साथ react होता है? React with dilute hydrochloric acid and inflammable gas hydrogen is formed. तो जब magnesium metal hydrochloric acid के साथ react होता है तो क्या form होता है वहाँ पे? Hydrogen gas. अब during this reaction जो reactive metal है magnesium, ये क्या करता है? Displaces hydrogen from the acid. और उसके कारण क्या होता है? रिलीज हाइड्रोजन गैस. एट द सेम टाइम क्या होता है? द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द बेसिक रेडिकल. तो मेटल का कन्वर्शन किस में होता है? बेसिक रेडिकल, जो किससे कंबाइन होते हैं? एसिडिक रेडिकल से. और उससे क्या होता है? टू फॉर्म द सॉल्ट. सो सी द फॉलोइंग रिएक्शंस. व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. Magnesium in solid state react with twice HCl, hydrochloric acid in aqueous form. So there is a reaction and formation of magnesium chloride with evolution of hydrogen gas. Then second reaction, zinc when react with sulfuric acid, there is a formation of zinc sulfate plus hydrogen. So hydrogen from the sulfuric acid is displaced by the zinc, so that hydrogen is released. यहाँ पे क्या चाहिए? Copper प्लस ट्वाइस एच एन ओ थ्री. कॉपर प्लस ट्वाइस एच एन ओ थ्री, दैट इज नाइट्रिक एसिड. व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स. नाउ वी सी थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. नो वॉट इज मीन बाय ऑक्साइड्स? वेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. नाउ हियर ऑल्सो वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेना है और उसमें क्या ऐड करना है? लिटिल रेड ऑक्साइड. रेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड. इसे प्राइमर भी कहते हैं, जिस जो किस में यूज होता है? इन ऑर्डर टू पेंट द आयरन आर्टिकल्स बिफोर पेंटिंग, यानी पेंट करने के पहले प्राइमर यूज किया जाता है. अब इसमें क्या करना है? हमने क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें रेड ऑक्साइड लिया, बाद पहले उसमें वाटर लिया और बाद में उसमें क्या ऐड किया हमने? रेड ऑक्साइड. अब उसमें क्या ऐड करना है हमें? नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट HCl. अब हमने क्या करना है? वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको शेक करना है एंड ऑब्जर्व. सो फर्स्ट, डज द रेड ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर?
नो, रेड ऑक्साइड इंसुल्युबल इन वाटर. सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द पार्टिकल्स ऑफ रेड ऑक्साइड ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl. तो क्या होता है, तो अभी हम देखेंगे. तो ये जो रेड ऑक्साइड है, रेड ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड. उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3. सो द वाटर इंसोल्युबल रेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl. तो क्या प्रोड्यूस होता है, इट रिएक्ट विथ HCl टू प्रोड्यूस फेरिक क्लोराइड. इट दिस गिव्स अ येलोइश कलर टू वाटर. और उसके कारण ये फेरिक क्लोराइड तैयार होता है, इसलिए उस वाटर का कलर कैसे हो जाता है, येलोइश. तो रिएक्शन क्या है इसकी, फेरिक ऑक्साइड प्लस 6 HCl गिव्स फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस थ्राइस H2. यहाँ पे तीन वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. नाउ सी द अनदर एग्जाम्पल्स, मेटल ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. यानी मेटल ऑक्साइड जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर. नाउ सी द अनदर एग्जाम्पल, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस ट्वाइस HCl. तो क्या फॉर्म हुआ होगा वहाँ पे, CaCl2 प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर. सेकंड रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड विन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर. देन अनदर एग्जाम्पल दैट इज ZnO, जिंक ऑक्साइड वेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस वाटर. देन नेक्स्ट रिएक्शन Al2O3, Al2O3 वेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड, सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ट्वाइस AlF3 प्लस थ्राइस H2. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. तो ये जो बेसिस हैं ये किसके साथ रिएक्ट होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. और फिर से क्या फॉर्म होगा, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड सॉरी देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. नाउ सी द रिएक्शन, CO2 रिएक्ट विथ ट्वाइस NaOH. CO2 दिस इज द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. कार्बन डाइऑक्साइड विन रिएक्ट विथ ट्वाइस NaOH, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. देन अनदर एग्जाम्पल H2CO3, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, विन रिएक्ट विथ ट्वाइस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर. देन SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड विन रिएक्ट विथ ट्वाइस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2. तो जो बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके साथ रिएक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड SO3. और उससे क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर. सो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर. इसलिए जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, तो इसे क्या कहते हैं, उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक. और समटाइम्स द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल देमसेल्स आर सेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ एसिड. और बहुत बार क्या होता है, तो जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के, तो वो यानी एसिड जैसे ही, यानी उसे हम एसिड कह सकते हैं. जैसे H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड. SO3, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वी कैन से दैट एसिड. जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट. तो जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे क्या फॉर्म होगा, सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 एंड वाटर. सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे क्या फॉर्म होगा, टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2 एंड वाटर. सो हियर देर इज अ होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व दिस थ्री क्वेश्चंस. राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस टू रिएक्शन. ये दो रिएक्शन के लिए आपको केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है. सेकंड, कैन वी कॉल Al2O3 एंड ZnO एसिडिक ऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन. और थर्ड है, डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव टू एग्जाम्पल. तो ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, और इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे. तो आपको ये आंसर क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको फाइंड आउट करना है.